किसान लगातार दिल्ली वल नूं वधदे जा रहे हैं। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि इस मौके पंजाब ते हरियाणा की सरहद उत्ते पुलिस नाल टकराव भी हुआ। इस विच भीड़ नूं खदेड़न लई पुलिस वल्लों अथरू गैस के गोले भी दागे गए। इस मौके पुलिस ड्रोन राही अथरू गैस के गोले सुटती हुई नजर आई सी, जिस नाल कई किसान जख्मी भी हो गए। इस प्रदर्शन दौरान किसानों नूं हिरासत दे विच भी लिया गया, जिस दीआं तस्वीरां सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही ने। दस दईए कि अपनी वख-वख मंगां नूं लैके दिल्ली वल किसानों के अंदोलन दौरान हफड़ा तफड़ी फैलन कारण हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शंभू सरहद से हिरासत में ले लिया। जिक्र कर दिए कि हरियाणा ने पंजाब नाल लगदिया सारिया सरहदों को सील कर दिता है। किसानों के वड्डे जथे श्री फतेहगढ़ साहब तो शंभू सरहद लई रवाना हुए ने, जो कि उत्थे लगातार पहुंच कर रहे हैं। इस तों पहला चंडीगढ़ में बीते दिन केंद्रीय मंत्रियों के नाल किसानों की मीटिंग हुई सी, पर इस विच किसानों दीआं मंगां दा कोई हल नहीं निकलिया। किसान लीडर सरवन सिंह बंदेर ने कहा सी कि सरकार सिर्फ अंदोलन नूं टालना चाहती है, गलबात करन लई किसान हमेशा तैयार हन ते अगे भी तैयार रहणगे, पर हुण उन्हां वल्लों दिल्ली कूच कीता जाएगा ते कीता जा रहा है। किसान अंदोलन नूं लैके सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस उत्ते ने। इस मौके इंटैलीजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सरहद के नेड़ले पिंडां तों किसान पैदल ही दिल्ली वल जाण दी कोशिश करनगे, जिन्हां राहां तों कोई वाहन नहीं जा सकता। जी हाँ, उधर ही दस दिए कि किसानों ने वध तों वध ट्रैक्टर ट्रालियां लैके दिल्ली वल नूं कूच कीता होया। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।